नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चना दाल के हलवा। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं चना दाल के हलवा। हमें चाहिए एक कटोरी चना दाल, एक गिलास पानी, 4 चम्मच देसी घी, थोड़ा सा किशमिश, 1 कटोरी शक्कर। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चने दाल को धो लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा चना दाल धुल चुका है। हम यहाँ पर कुकर में डाल देंगे इसको। देखिए, कुकर ले लिया हमने, ये डाल दिया चना दाल। चना दाल ले लिया हमने, हम उतना ही पानी डालेंगे इसमें। देखिए, 1 कटोरी ही पानी डालेंगे इसमें और 1 सीटी लगाएंगे, बस 1 सीटी, गैस ऑफ कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, चना दाल में 1 सीटी आ गई है, लगता है हमारा दाल आधा पक गया है। चलते हम खोल के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, दाल हमारा पक गया है। देखिए, ये देखिए आधा मसल रहा है। देखिए दाल, ऐसे आधी दाल पकानी है हमें, 1 सीटी ही लगाना है इसमें। देखिए दाल पक गया। अब हम पानी छान लेंगे, इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे बिना पानी के। पानी को अलग कर लेना आपको, और चने दाल को पीस लेना है सूखे ग्राइंडर में, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमारा दाल पीस चुका है। देखिए कितना अच्छा दाल पीस गया है। देखिए सूखा सूखा दाल, देखिए पीस चुका है। चलते हैं अगले प्रोसेस में। चलिए दोस्तों, कढ़ाई हमने गैस पर रख दिया है, कढ़ाई लगभग गर्म हो रहा है। देखिए गर्म हो रहा है ना। अब हम इसमें घी डाल देंगे। हमने 4-5 चम्मच घी लिया था, पूरे घी डाल देंगे हम इसमें। ये हमने घी डाल दिया, थोड़ा सा घी गर्म हो जाए फिर हम डालेंगे चना दाल। हमने कढ़ाई रख दिया है, घी डाल दिया है, घी गर्म हो रहा है। देखिए ये, अब इसमें हम डाल देंगे चना दाल। ये देखिए, अब चना दाल को हम भूनेंगे अच्छे से। गैस सिम कर देंगे, यहाँ सिम पे ही हम चना दाल को भूनेंगे। गैस पर हमने भून रहे हैं। ये देखिए 10 मिनट हम भूनेंगे लो फ्लेम पे गैस इसको। दोस्तों 2 मिनट हो गया है, गैस ये भून रहा है अपना चना दाल। देखिए ऐसे करके हमें 5-6 मिनट और भूननी है, लगभग पूरे मिला के 10 मिनट भूननी है गैस लो फ्लेम पे, ठीक है। देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो गया है, हमारा ये चना दाल भून रहा है। हम 5 मिनट और लो फ्लेम पे भूनेंगे इसको। देखिए ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स 10 मिनट हो गए हैं, हमारा हलवा अच्छा, देखिए अपने आप कढ़ाई छोड़ दिया है। देखिए ये भुन चुका है, चना दाल अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे शक्कर और किशमिश। देखिए हमने किशमिश डाल दिया इसमें। किशमिश को आप काट भी सकते हैं बीच से। ये देखिए हमने इसको 1 मिनट भूनना है इसको, ऐसे किशमिश अच्छे से भून जाए इसमें। अब इसमें हम डालेंगे शक्कर। हमने शक्कर लिया था, देखिए शक्कर हमने डाल दिया इसमें। इसमें हम डालेंगे अब थोड़ा सा पानी, ठीक है, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, शक्कर अच्छे से मिल जाए। चलिए दोस्तों, हम आधे गिलास इसमें पानी डाल देंगे। देखिए ये आधा गिलास पानी डाल दें इसमें हम। गैस लो फ्लेम पे है, हम मिक्स कर लेंगे, 2-3 मिनट यहाँ पका लेंगे इसको अच्छे से। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स ये उबाल आ रहा है इसमें, हमको पानी को थोड़ा सा सुखा देना है इसमें, ठीक है। आप चलाते रहें इसको, देखिए और सूख जाए तो फिर उतारना है इसको, ठीक है। 2-3 मिनट इसको उबालने पक जाने दीजिए अच्छे से। देखिए ये उबाल आ रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए अपना हलवा बनकर तैयार हो गया। देखिए कितने बढ़िया कलर आई है इसका। देखिए ये, आप चाहें तो और सुखा सकते हैं, पर मैंने नहीं सुखाया है, 3 मिनट ही भूना है इसको। अब ये बनकर तैयार हो गया, चलते हैं सर्व करने। फ्रेंड्स चना दाल का हलवा तैयार हो गया है, देखिए कितना स्वादिष्ट दिख रहा है ये। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, शेयर और लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।